जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मान दुई हजार चबिश नववर्ष टी अनेक मात्रा रे शुभफल प्रदान करिवो। कहिबार तात्पर्य होची मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मान बृहस्पति स्थान जदि विचार को नवा वर्तमान अच्छा एकादश भाव में मे मस एक तारिख रु आसवे द्वादश भाव को जदि शनि स्थित को विचार को नवा तेज शनि महाग्रह वर्तमान अच्छा मिथुन राशि नवम भाव में तेणुक वर्तमान पर मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मान बृहस्पति एकादश स्थान थी वर्ष आरंभ अनेक मात्रा रे शुभफल प्रदान करेंगे। शुभफल कहार तात्पर्य होपण जहाँ चाहूबे आपणकर फल मिल आपड़ी निर्माणाधीन कार्य करा विघ्न देखा देता अर्थर अभाव रोला से अर्थर अभाव दूर हो बंधु आपन को साहर हाथ बढ़ाए मांगलिक कार्यपाई जो बारंबार बाधा विघ्न देखा देता मांगलिक कार्य संपादन हो पार पुओ झीवर जो विवाह प्रस्ताव में बारंबार बाधा विघ्न देखा देवाहर प्रस्ताव आसुनता ता दूरीभूत ही बहार प्रस्ताव आस कार्य सफलता पाइबे। तेणुक मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मान वर्ष आरंभ जो सफलता पाइले मे मस पर कष्ट अनुभव करेंगे। तेणुक टी निजुक ध्यान देवे मे मस पर जगी रखी चलिए मानते वर्ष आरंभ जो अर्थ किसी आप रोजगार कले संचित रखिए। कहिबार तात्पर्य होची द्वादश भाव को जो बृहस्पति आसवे आपण को किसी अजथा अर्थ व्यय करने को पड़प भ्रमण अर्थ व्यय हो स्वास्थ्य अवस्था को अर्थ व्यय हो कौन सी कारण पर अर्थ किसी व्यय हे जो अर्थ व्ययटा कि आपण महंगा सब्यस्त होतीपाई टी ध्यान देवे। ता सहित शनि जदि विचार को ना जो नवम भाव शनि अच्छा शनि महाग्रह एत मात्र शुभफल प्रदान एत करे ना किंतु वर्तमान पर एकादश बृहस्पति थी शुभफल पाइबे। मे मस पर जो असुविधा हे आप प्रतिकार निहाती रूप से करेंगे। कौन से प्रतिकार करेंगे ना मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने 2024 वर्ष तमाम माने जनवरी मासरु डिसेंबर मास पर्यंत प्रति मास रे गोटे गोटे प्रतिकार करेंगे। तबे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने जनवरी मास रे श्री गणेश महाप्रभु को दुब अर्पण करेंगे किंतु मन रखिए मासर प्रति बुधवार दिन टे आमिष छाड़े प्रति रविवार दिन सूर्यदेव को जल अर्पण करेंगे आपण जीवन सुखमय हो अनेक मात्रा रे शुभफल पाई। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने फेब्रुआरी मास रे लक्ष्मी नृसिंह को आराधना करेंगे प्रति गुरुवार दिन तुलसी चंदन लक्ष्मी नृसिंह को अर्पण करेंगे। ता सहित असहाय व्यक्ति को किसी साहर हाथ बढ़ाए आपण मन रखिए प्रति गुरुवार दिन हलदिया खेचड़ी किसी खावाई जहाँकि आपण मंगलप्रद हो। तेज मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने मार्च मासरे आपण गोटे काम करेंगे प्रति सोमवार दिन देवदेव महादेव को दर्शन करेंगे देवदेव महादेव को धला फूल सहित त्रिशाखा बेलपत्र अर्पण करेंगे यह जदि करती आपण जीवन सुखमय हो किंतु मन रखिए मार्च मासर प्रति सोमवार दिन आमिष केवे खाइबे ना शनिवार दिन आमिष खाइबे ना जो घर शौचं से घर प्रति मंगलवार शनिवार दिन झुणा गोगुल धूप बुलेबे घर को लुण पाणी रे पोछिबे आपण जीवन सुखप्रद हो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक एप्रिल मासरे अनेक मात्रा शुभफल प्रदान करिवो। कहिबार तात्पर्य होची वर्तमान वर्ष आरंभ अच्छा एकादश भाव में बृहस्पति महाग्रह किंतु एप्रिल मास शेष सारा बृहस्पति आपण राशि रही मे मस एक तारिख रु जी द्वादश भाव को तेणुक एकादश बृहस्पति एप्रिल मस आप राशि रही थव शुभफल निश्चित रूप से पाइबे जो काम हाथ देवे सफलता पाई तेज मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने एप्रिल मास रे अधिक मात्रा रे शुभफल पाइबा प्रतिदिन श्री हनुमान को आराधना करंतु प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा पाठ करंतु प्रतिदिन 108 बार श्रीराम श्रीराम लेखंतु एहीपरि भाव जदि करंती आपण एप्रिल मास रे अनेक मात्रा शुभफल पाइपरिबे किंतु मास तमाम आपण टिके आमिष छाड़े जदि आमिष छाड़ दिंती आपण अनेक मात्रा शुभफल पाइपरिबे। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने मे मास रे अनेक मात्रा शुभफल पाइबा परिवर्ते अशुभ फल पाइबे। कहिबार तात्पर्य होची मे मास एक तारिख रु आपण राशि की द्वादश भाव को बृहस्पति आसी जाउचनी तेणुक द्वादश भाव को बृहस्पति आसिले अजथार अर्थहानि करिब सेतिपाई टिके ध्यान देबे जो माने नूतन व्यवसाय आरंभ करचोने टिके जगी रखी चलिबे एमिति कहारी सहित मध्ये टिके चुक्ति करिबे नै मे मासरे जदियो बा मे मासरे टिके जगी रखी चली दंती आपण जीवन सुखमय हेबो। तेणुक मे मासरे अधिक मात्रा शुभफल पाइबा पई मास तमाम श्री जगन्नाथ महाप्रभु को तुलसी चंदन अर्पण करेंगे जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करेंगे मन रखिए प्रति गुरुवार दिन आमिष खाइबे नहीं ओम ब्रूं बृहस्पति नम
यही मंत्र घरे बसी 108 बार प्रतिदिन जदि जप करती आपण अनेक मात्रा रे शुभ फल प्रदान कर। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने जून मास रे अनेक मात्रा रे शुभ फल पाइबे सत्य, किंतु पारिवारिक समस्या रहिबो, माली मकदमा समस्या मध्ये लागि पारे, पैतृक संपत्ति को नहीं बाद विवाद मध्ये देखा दे पारे, सेतिपाई टिके ध्यान देबा को पड़िबो। तेणुकर जून मास रे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने अधिक मात्रा रे शुभ फल पाइबा पई संकटमोचन हनुमान को आराधना करिबे, ओम श्री हनुमते नम जप करिबे। आउ गोटे रामचरित मानसर दोहाटी कहूँ, दोहाटी को संग्रहित कर जप करिबे, कवन सकाज कठिन जग माही जो नाही होई तत तुम्ह पाई। पुनर्बार कही रखुची दोहाटी को, कवन सकाज कठिन जग माही जो नाही होई तत तुम्ह पाई। यही दोहाटी को आपण माने जप करिबे एवं ता सहित मध्य आपण पारिबे पानी कखारु खाइबे नाही। यहीपर भाव प्रतिकार करूँ आपण जीवन सुखमय हो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने जुलाई मस अनेक मात्रा रे शुभ फल पाइबे, जम्मारु आपण चिंता करिबे नहीं। आपणकर जत्ते अशुभ फल पाइले मध्ये ताहा दूर ही जुलाई मास रे आपण शुभ फल पाइपरिबे, अधिक खुशी मध्ये हेबे जेहेतु आपणकर जो बाकी पड़ित अर्थ आपणक हातुक आसीबो, अचानक भावरे अर्थ आसीबो, एमिति व्यवसाय रे आय मध्ये वृद्धि हेबो जुलाई मास रे। तेणुकर मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने अनेक मात्रा रे बा अधिक मात्रा रे सफलता पाइबा पई श्री गणेश महाप्रभु को मास तमाम दर्शन करंतु, प्रति बुधवार दिन श्री गणेश महाप्रभु को दुब अर्पण करूँ, प्रतिदिन बाप माँ पाद छुई प्रणाम करूँ। किंतु ध्यान देवे जुलाई मासर प्रति बुधवार दिन आप आमिष खाइबे ना, एमती कि पाणी कखार न खाते आपण स्वास्थ्य बहुत भल रुभ फल पाइपर। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने अगस्ट मासरे टे जगी रखी चलिए, अगस्ट मासरे आपण को किसी स्वास्थ्य पीड़ा देखादपे, एमती कि पेट जनित समस्या देखा संभावना रही। अगस्ट मास रे जो स्वास्थ्य जनित पीड़ा देखादेव तार आराध्य देवता होती श्री हनुमान, तेणुकर प्रति मंगलवार शनिवार दिन श्री हनुमान को दर्शन करेंगे, संकट मोचन हनुमानाष्टक पाठ करेंगे, जदि पार्टी श्री हनुमान द्वादश नाम को पाठ करेंगे। यह करने सहित प्रति मंगलवार शनिवार दिन घरे राशितल दीप जाले जहाँ को कहे अखंड दीप, अखंड दीप जाले प्रति मंगलवार शनिवार दिन घरे झुणा गुगुल धूप बुलाइबे, जदियों पार्टी गुरुवार दिन घर दुआर बंधरे हलदी मध्य स्वस्तिक चिन्ह करेंगे, तेज आपण सुखप्रद हो। आउ गोटे कथा कह, मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मैंने अगस्ट मसर प्रति मंगलवार शनिवार दिन आमिष खाइबे ना, जदिव आप आमिष खाऊ मो कथार ध्यान देवे आपण मैंने मंगलवार शनिवार दिन आमिष खाइबे ना, जदि आमिष न खाते तेज अगस्ट मसने आपण को अनेक मात्रा शुभ फल प्रदान कर। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने सेप्टेम्बर मास रे अनेक मात्रा रे शुभ फल पाइबे, जो स्वास्थ्य जनित पीड़ा देखा देउतला ता दूर हो जिवो, शुभ फल मिलिवो, संतान मानकर खुशी खबर शुणी बापमा माने खुशी अनुभव करिवे, चाकरी क्षेत्र रे छात्र छात्री माने उन्नति करिवे, दूर विदेश यात्रा मध्ये करिवे, सेतिपई सेप्टेम्बर मास रे आपण पई अनेक मात्रा रे शुभ फल प्रदान करुवछि। तेंकर अधिक मात्रा रे शुभ फल पाइबा पई सेप्टेम्बर मासरे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने लक्ष्मी नृसिंह को टी आराधना करेंगे, प्रति गुरुवार दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु को तुलसी चंदन अर्पण करेंगे, एवं मन रखिए गुरुवार दिन केवे आमिष खाइबे ना। आउ गोटे कथा कह, शनिवार दिन टी बैगण जदि न खाती तेज देखिए आपण अनेक मात्रा शुभ फल प्रदान कर। अक्टोबर मासरे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने अनेक मात्रा से हीपरी भाव में शुभ फल पाइपर। आपण जो भावुले जो वर्ष तमाम अशुभ फल पाइबि ता नुहे, मस हिसाब से किसी शुभ फल मिल। तेणुक मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक अक्टोबर मसने शुभ फल मिल। कौन से शुभ फल ना, जो व्यवसाय आप आरंभ कर अनुष्ठान आरंभ करभे अक्टोबर मसने आपण घर को बंधु व अतिथि आगमन हो, बंधु सहित आप दूर जात्रा करपारती, तेणुक सुस्वादु भोजन करेंगे। ये सब क्षेत्र में अक्टोबर मासरे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने शुभ फल पाइबापी माँ तारिणी को दर्शन करेंगे, प्रति गुरुवार दिन माँ तारिणी को लाल मंदार फूल अर्पण करेंगे, गाधोवा समय पाणी मध्य हलदी पकाई स्नान करेंगे, तेज आपण जीवन सुखमय हो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने नवेम्बर मसरे टे जगी रखी चलिए, कर्म क्षेत्र में किसी शत्रु बुद्धि पारती, पारिवारिक समस्या किसी देखादपे जेहेतु द्वादश भाव में बृहस्पति अच्छा, एवं निजर स्वास्थ्य जनित पीड़ा देखादपे नवेम्बर मसरे। नवेम्बर मसरे ये सब कुछ दूर करने देवदेव महादेव को प्रति गुरुवार दिन पैड़ पा चंदन हलदी को एकत्रित करी
ओम ब्रूं बृहस्पति नम मंत्र अर्पण करेंगे आपणकर जीवन सुखमय हो जदि बा पारे गुरुवार दिन नवेम्बर मसने हलदिया खेचड़ी जदि खाती आपण जीवन सुखमय हो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मैंने डिसेम्बर मसने अनेक मात्रा शुभ फल पाइबे किंतु मस तमाम टी मिश्रित फल पाइबे मानते कि शुभ कि अशुभ दे गति पड़पे मस आरंभ कि शुभ फल पाइले संक्रांति पर कि अशुभ फल पाइबार संभावना रही तेणुक मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मैंने डिसेम्बर मसने श्री हनुमान को आराधना करेंगे प्रतिदिन श्री हनुमान को दर्शन करेंगे प्रति मंगलवार दिन श्री हनुमान को चमेली तेल सिंदूर अर्पण करेंगे प्रति शनिवार दिन श्री हनुमान को बीड़िया पान टी अर्पण करेंगे जदि बा पार्टी गोटा फल जदि अर्पण करती आहरी उत्तम फल मिल सहित प्रति मंगलवार शनिवार आमिष खाइबे ना मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मैंने एमती कि डिसेम्बर मस कथा मुझे डिसेम्बर मसरे आप आमिष खाइबे ना मंगलवार शनिवार दिन जब पार्टी पिज रसुण न खाई अरुआ भोजन करती आपणकर जीवन सुखमय हो जीवन में सफलता पाई तेज दर्शक बंधु आपण मुझे प्रतिकार कहली ए प्रतिकार को कर चलतु देखिए आपणकर जीवन सुखमय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु पाखे मुझे प्रार्थना करुच्ची। जय जगन्नाथ।